नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 13 अप्रैल सोमवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना वायरस पॉजिटिव की कुल संख्या 815 पहुंच चुकी है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 2 जिलों से नए मामले सामने आए हैं। आज सोमवार को कुल 11 मामले अभी तक कोरोना वायरस पॉजिटिव के सामने आए हैं, जिसमें 10 पॉजिटिव केस भरतपुर और 1 पॉजिटिव केस बांसवाड़ा से देखने को मिला है। आंकड़ों की बात करें तो अजमेर से 5, अलवर से 7, बांसवाड़ा से 53, भरतपुर से 19, भीलवाड़ा से 28, बीकानेर से 34, चूरू से 14, दौसा से 8, धौलपुर से 1, डूंगरपुर से 5, जयपुर से 341, जैसलमेर से 29, झुंझुनू से 31, जोधपुर से 51, करौली से 3, पाली से 2, सीकर में 2, टोंक में 59, उदयपुर से 4, प्रतापगढ़ से 2, नागौर से 6, कोटा से 40, झालावाड़ से 14, बाड़मेर से 1 और हनुमानगढ़ से 2 मामले देखने को मिला है। इसके अलावा ईरान से लाए गए भारतीयों में से 52 लोग और इटली से 2 लोग अभी तक प्रदेश में पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश में लॉकडाउन का निर्णय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे, पर राज्य सरकार मॉडिफाइड लॉकडाउन पर विचार कर रही है। जयपुर में अभी कम्युनिटी संक्रमण की स्थिति नहीं है, लेकिन रामगंज में भीलवाड़ा की तरह सख्ती होगी। सीएम ने वीसी के जरिए मीडिया कर्मियों से चर्चा में कहा कि लॉकडाउन और वित्तीय सुधार के लिए गृह विभाग के ACS राजीव स्वरूप, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता वाली समितियों ने रिपोर्ट दे दी है, उसे अमल में लाएंगे। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत अलग अलग व्यवस्था बहाल होगी। टोंक जिला मजिस्ट्रेट KK शर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति एवं इसे फैलने से रोकने के लिए क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठीनाथमाम, राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी विद्यालय गुलजारबाग, राजकीय विद्यालय सिटी नंबर 12, राजकीय महिला विद्यालय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, MB एग्रीकल्चर कॉलेज, राजीव गांधी विधि महाविद्यालय, राजीव गांधी शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, सेंट सोल्जर शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल, सेंट सोल्जर विद्यालय विवेक महाविद्यालय, पन्नाध्याय महाविद्यालय, सेंट एलनम विद्यालय, इमानुएल स्कूल, सेंट जोसेफ कॉलेज, फारूकी विद्यालय आदि को अग्रिम आदेशों तक अधिग्रहण किया है। लॉकडाउन के चलते बाधित हुए शैक्षणिक कार्यों को देखते हुए संभावना है कि केंद्र सरकार विद्यालयी शिक्षा से संबंधित विभागों और संगठनों को नए शैक्षणिक स्तर को संशोधित करने के लिए निर्देश जल्द ही जारी किया करेगी। इससे अगले सत्र में अध्यापन कार्य के लिए दिन कम नहीं होंगे। विभिन्न राज्यों और उच्च शिक्षण संस्थानों को गर्मी की छुट्टियों के दिनों की संख्या को कम करने और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लंबित परीक्षाओं को आयोजित करने के निर्देश मंत्रालय की ओर से जल्द ही जारी किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण में प्रदेश का बड़ा इलाका रेड जोन में शामिल है। वहीं अब पश्चिमी राजस्थान भीषण गर्मी के चपेट में आने लगा है। पश्चिमी मैदानी इलाकों में धूल भरी हवा चलने पर दिन में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में पूरे प्रदेश में गर्मी तीखे तेवर दिखा सकती है। वहीं पश्चिमी मैदानी इलाकों में दिन में लू चलने की आशंका है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा समेत कई जिलों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। पश्चिमी मैदानी इलाकों में दिन के अलावा अब रात में भी गर्मी तीखे तेवर दिखाने लगी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।